हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो केमिकल फॉर्मूलेज हैं ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूले। सो फर्स्ट जो आपको दिया गया है, फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, इसके अंदर दो परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। दो एटम्स मिलते हैं और एक आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन का होगा N2। इसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा H2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है? C। और डाइऑक्साइड, डाई का मतलब है 2 और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला बन जाएगा CO2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ से आप कंपैरिजन करके भी याद कर सकते हो। इसमें देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो यानी ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, 2 जो है यहाँ पर 2 परमाणु होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट करते हैं, नंबर 6 है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का हो गया S, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। सो क्या हो गया फॉर्मूला? ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखिए, इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फर ट्राई का मतलब 3 हो जाएगा, ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा? SO3। ये हो जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब तो बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NO2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बहुत सिंपल है NO, नाइट्रोजन मोनो, सिंगल ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या आप इसको कह सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के 2 एटम रहेंगे और ऑक्साइड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2O। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हिंट लेके इनको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नंबर 10 क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होगा? Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है ये, HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट नंबर 12 है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होगा NH3। याद रखेंगे अमोनिया NH3। नेक्स्ट है अम्ल। अम्ल के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम अम्ल के फॉर्मूले। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन क्लोराइड, या मैंने बताया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? HCl। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखिए H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। और अगर इसकी जगह आपके पास हो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड में यहाँ पे हो जाएगा H2SO3, तो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड SO4 और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। नेक्स्ट देखिए, नंबर 15 है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ये किसका फॉर्मूला रहेगा? नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। H3PO4 ये रहेगा फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। सो कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये फॉर्मूला रहेगा कार्बोनिक एसिड का H2CO3। नेक्स्ट करेंगे क्षार के बारे में। देखिए क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का संकेत क्या होता है? सिंबल Na। हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसी तरह आप आसानी से लिख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम K हाइड्रोक्साइड OH, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? KOH। नेक्स्ट देखिए, नंबर 20 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नंबर 20 इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaCl।
OH होल ट्वाइस, ठीक है, Ca कैल्शियम होता है OH हाइड्रोक्साइड के लिए, और ये जो इसकी संयोजकता होती है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है हमें टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए कुछ लवण हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। नंबर 22 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट नंबर 24 कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सल्फेट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, SO4 का, कार्बोनेट के लिए CO3, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 25 अमोनियम सल्फेट, सो अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4, सल्फेट के लिए हमने किया SO4। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जो है क्या रहेगा इसके लिए फॉर्मूला, पोटेशियम नाइट्रेट है ये KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट देखिए कुछ सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर रासायनिक सूत्र हैं वो हम करेंगे, जो आम रसायन हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं उनके रासायनिक नाम हम करेंगे। नंबर 27 चाक, चाक का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होगा उसके लिए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 28 अंगूर का सत, अंगूर का सत किसको कहते हैं, ग्लूकोज को, अंगूर का सत ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H12O6, C6H12O6। नेक्स्ट देखिए नंबर 29 अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम कास्टिक पोटाश, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पोटेशियम के लिए जो सिंबल है वो है K एंड हाइड्रोक्साइड के लिए OH, KOH। नेक्स्ट नंबर 31 खाने का सोडा, खाने का सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट क्या हो रहेगा इसका, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए चूना, चूने का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट है नंबर 33 जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं CaSO4 2H2O, जो POP होता है POP, ठीक है, उसके अंदर जब पानी मिला दिया जाता है तो जिप्सम बनता है, सो जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट धोने का सोडा, धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट नंबर 35 नीला थोथा, नीला थोथा किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, इसका कलर नीला होता है CuSO4। नेक्स्ट नंबर 36 नौसादर, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट फिटकरी, फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 3 एंड 24H2O, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2O, ये रहेगा फिटकरी का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट नंबर 38 बुझा चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बुझा चूना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 39 बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है सिंपल चूने के नाम से कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब पानी मिला दिया जाता है
तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो बिना बुझा हुआ चूना है, ये आपने सफेदी के बारे में पता है, तो ये सफेदी जो है, ये जो चूना है, ये अगर आप देखोगे सफेदी के अंदर पानी डाल के, तो उसमें क्या बनता है बाद में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको दीवारों पर जो है अप्लाई कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो बुझा हुआ चूना होता है जो दीवारों पर अप्लाई किया जाता है, और उससे पहले क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 40, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज द लाफिंग गैस, N2O, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाल दवा किसको बोलते हैं, लाल दवा है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। नेक्स्ट है 42, लाल सिंदूर, लाल सिंदूर है लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड को बोलते हैं PB3O4, ठीक है, लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड PB3O4। नेक्स्ट है नंबर 43, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2, ये होती है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट देखिए नंबर 44, शोरा, शोरा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है KNO3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शोरा कहते हैं। नेक्स्ट 45, सिरका, एसिटिक एसिड का तनु घोल जो है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिरका कहते हैं, जिसको जो है नॉर्मली हम पिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, विनेगर, ठीक है, सिरका क्या है, विनेगर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, और उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु घोल जब बना लिया जाता है तब वो सिरका कहलाता है। नेक्स्ट 46 है सुहागा, सुहागा यानी बोरेक्स बोलते हैं, बोरेक्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2B4O7 10H2O, ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट देखिए नंबर 47, स्प्रिट, स्प्रिट मेथिल एल्कोहल, दैट इज CH3OH, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल और ये है मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट 48, हरा कसीस, हरा कसीस किसको कहते हैं, हरा कसीस कहते हैं फेरस सल्फेट को, यानी ग्रीन विट्रॉल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 7H2O। एक होता है ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O होता है, इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, क्रिस्टलिन का जल, वो होता है 5H2O। एक होता है थोथा होता है, ठीक है, सफ़ेद कसीस जिसको हम बोलते हैं, और जो सफ़ेद कसीस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O, ठीक है, ये तीन आपको याद करने हैं। देखिए FeSO4 7H2O हरा कसीस है, फेरस सल्फेट फार्मूला है, नीला कसीस होता है CuSO4 5H2O, ठीक है, और तीसरा क्या है, सफ़ेद कसीस यानी जो वाइट विट्रॉल जिसको हम कहते हैं, दैट इज ZnSO4 7H2O। नेक्स्ट देखिए नंबर 49 इज POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पैरिस CSO4 1/2H2O, जिसके जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जब हमारी बोन्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं तो POP जो प्लास्टर किया जाता है वो इसी का होता है, POP दैट इज CSO4 1/2H2O। नेक्स्ट लास्ट वन इज 50, दैट इज मंड, मंड यानी स्टार्च, दैट इज C6H10O5 इज द फॉर्मूला, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये सारे फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अभी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ।